हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊं आंसर की यूपी टेट की 6 to 8 की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, पेपर टू, जो जूनियर लेवल का पेपर 18 नवंबर में सोशल साइंस की 91 से लेके 150 के सारे सोशल साइंस के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में आपको बताऊंगा आपत्ति दर्ज करने वाले क्वेश्चन। जो आपत्ति दर्ज की गई है वो 6 आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनमें से आयोग ने केवल 2 को सही माना है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको इसके बेसिस पे आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी भी करनी है। 6 to 8 के लिए प्रूफ हमने साथ में दिया हुआ है, आपको 4 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। हिंदी की अलग है बिल्कुल, इंग्लिश की अलग है, सोशल साइंस की अलग है और चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग है। उन चारों वीडियो को देख लीजिएगा, आई का बटन जो बना हुआ है यहाँ पे, इस आई के बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं और वीडियो के एंड में जो यहाँ पे इस जगह आया हुआ है, इससे भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं उस वीडियो पे जो पुराने वाली वीडियोस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सामाजिक अध्ययन की, सोशल साइंस और अन्य विषय। हाल ही में कहां शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? दक्षिणी सूडान में भारतीय सैनिक शांति स्थापना कर रहे थे तो इसके लिए इनको पदक मिला है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनओ के अंतर्गत नहीं आता, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ, ये तीनों आते हैं, केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं आता। ऑप्शन 4 इसका सही होगा, इसमें पूछा था नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीनों चीजें, कैल्शियम भी है, अमोनियम भी है, नाइट्रेट भी है, इसीलिए हम इसे किसान खाद बोलते हैं। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? 1,00,000 लीटर इसमें पानी की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का कायिक प्रवर्धन क्या होता है? यह सकर द्वारा होता है, केले का कायिक प्रवर्धन सकर द्वारा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही है, जल्दी से यह मॉइस्चर को सोख लेता है? यूरिया, कहते हैं ना यूरिया को खुला मत छोड़ो, ढक दो, आपने गांव में सुना भी होगा यूरिया। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। कई बार क्या, अगर हम डे टू डे लाइफ की कुछ चीजें देखें, ध्यान दें, तो हम कई क्वेश्चन तो वहीं से कर पाते। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? फूल आने से पूर्व की अवस्था को से बोलते हैं। गांव के सभी बच्चों ने यह क्वेश्चन कर दिया होगा। ऑप्शन 2 इसका सही है। फलों के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है रिफ्रेक्टोमीटर से। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में पेक्टिन का क्या कार्य है? फलों के रस का थक्का बनाना। ऑप्शन 3 सही होगा। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। और ये हमने सेकंड सीरीज जो पेपर 2 है उसकी सी सीरीज ली हुई है, 6 to 8 क्लास के लिए जो पेपर हुआ था 18 नवंबर में, उस पेपर की सीरीज हम आपको करा रहे हैं इवनिंग शिफ्ट की। आपकी सीरीज ए बी डी कुछ भी हो सकती है, तो आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे हमारा सी सीरीज का ये 100 क्वेश्चन है, तो ए बी और डी वाले भी इन क्वेश्चन को मिला सकते हैं, आगे पीछे रेंडम ऑर्डर में आपको मिलेंगे। नींबू का फल प्रचुर स्रोत किस चीज का है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा होता है नींबू में। ऑप्शन 3 इसका सही हो। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां अवस्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। एगमार्क जो देती है, एगमार्क मसाले आपने सुना होगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो। अचल स्वर कौन से होते हैं? देखिए आपको पता है 7 स्वर होते हैं, सा रे गामा पा धा नी सा, तो सा और पा ये जो है अचल स्वर होते हैं। ये देखिए यहां पे मैं आपको इसका प्रूफ भी दे रहा हूं, जो 7 स्वर हैं, सड़ज गांधार मध्यम पंचम द्वैत व निषाद स्वर नामों के पहले अक्षर से सा रे गा मा पा धा नी ये लिए गए हैं। ये सब शुद्ध स्वर हैं, इसमें सा और पे, यहां देख लीजिएगा, सा और पे अचल माने जाते हैं क्योंकि ये अपनी जगह से जरा भी नहीं हटते। बाकी 5 स्वरों को विकृत या विकारी स्वर भी कहते हैं, आप इसे wikipedia.com से गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है? कल्याण से उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं?
लय कहते हैं, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को लय कहते हैं। एक म्यूजिक की वीडियो भी हम बना देंगे, म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा। गे मे पे नी नी से नी द पा म पा ग म ग किस राग का स्वर समूह है? ये राग व्याग का स्वर समूह है, ऑप्शन थर्ड सही होगा। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, शायद आप नहीं कर पाए होंगे, अगर म्यूजिक में नहीं है तो इसे छोड़ के भी आए होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है 150 में से 150 क्वेश्चन कोई कर दे, 90 पे तो सिलेक्शन ही है, तो इस चीज की चिंता मत कीजिएगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये बहुत बार आपने बचपन में गाया होगा। ये इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने एक गाना लिखा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। 26 जनवरी 15 अगस्त पे ये बहुत किया जाता था गांवों में, तो अब भी किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। और आयोडीन की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? खदकाना, उबालना, स्ट्रिंग, तीनों है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा फोर्थ। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या? खमीरीकरण। भटूरे बनाने में, ढोकला बनाने में खमीर उठता है, तो खमीरीकरण विधि है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। जल प्रदूषण का कारण क्या है? उपयुक्त सभी है, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक का इस्तेमाल, मनुष्य के क्रियाकलाप, ये इसका फोर्थ आंसर सही होगा। दोबारा बता देता हूं, सी सीरीज का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर, सेकेंड 6 to 8 क्लास के लिए जूनियर लेवल का। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी हैं, शारीरिक शिक्षा इसलिए जाते हैं, इसे हम पीटी के नाम से भी जाते थे, पीटी टीचर, पीटी आपने सुना होगा, फिजिकल टीचिंग, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, तीनों होते हैं इससे, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य चारों होगा, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन की खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। देखिए बाकी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, पीवी सिंधु बैडमिंटन की हैं, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं, दुति चंद दौड़ एथलेटिक्स की प्लेयर हैं, दुति चंद, तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। एशियन गेम्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें सबके नाम आ जाते हैं, तो आपको ये याद रहेंगे। हम जो भी वीडियो डालते हैं वो बहुत काम की वीडियो होती है, उन्हें देख लिया करें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टेट की तैयारी करें, करंट अफेयर्स की वीडियो देखते ही नहीं। मैं रोजाना करंट अफेयर्स की वीडियो डालता हूं, एक आदत बना लीजिए, वो एक तरह से न्यूज़पेपर है, केवल 12 क्वेश्चन मैं डालता हूं उसको, उस वीडियो को देख लिया करें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हम डालते हैं, ताकि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जुड़े रहें, आप बिल्कुल ना सोचें आपको टीचर बनना है, तो वो डे टू डे लाइफ की घटनाएं होती हैं, उसे याद करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, केवल 10-15 मिनट आपको देने हैं, और ये आप दे सकते हैं सुबह उठते हुए, दोपहर, शाम, चाहे जब भी देखो। मेरे देशवासियों देख लिया करो, हम बड़ी मेहनत से उसको बनाते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखें, एक क्वेश्चन देखो उसी में से मिल गया, और अगर आप देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आज इस पेपर में मेरी करंट अफेयर्स से मिले हैं, तो करंट अफेयर्स को जरूर देखा करें। दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है प्रोटीन, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एलएसडी के सेवन से क्या होता है? एलएसडी के सेवन से मानसिक विभ्रम हो जाता है, मानसिक विभ्रम हो जाता है। देखिए एलएसडी क्या होता है? एलएसडी होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथेलेमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइथेलेमाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। हेलुसिनोजेनिक ड्रग बोली जाती है विभ्रम, यानी आदमी को अपनी परेशानी को भूल जाए, मानसिक रोगियों को यह दी जाती है एलएसडी, इसका ऑप्शन फोर सही होगा। व्यायाम का क्या लाभ है? व्यायाम के चारों लाभ हैं, रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है, भूख लगती है, फुर्तीलापन आता है, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर होगा। व्रत आरेख उपयोगी है, व्रत के जो डायग्राम बनते हैं विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, ऑप्शन फोर इसका सही होगा, इसे पाई चार्ट भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक क्या बल देता है? सतत आकलन पर देता है, और ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये आंसर आप दे पाएंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य तीनों है, उपयुक्त सभी, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर होगा। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, करके सीखना ही, परियोजना का मतलब होता है करके सीखना, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा।
भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश का। ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में हुई थी? अशोक। बौद्ध धर्म की पूरी वीडियो मैंने जीके ट्रिक्स में दी हुई है, जैन धर्म की दी हुई है, दोनों क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जितनी भी वीडियो हमारी ए टू जेड कर इस चैनल पे पड़ी हुई है, आपका कोई एग्जाम 2-3 महीने बाद है तो आप लगातार इन वीडियोस को देखें, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा। जैसे अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो केवल शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट में चले जाएं और वो वीडियो देख लें, क्योंकि वहां बहुत सारी वीडियो मिलेंगे। केवल आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में शिक्षक भर्ती यूपीटेट जहां लिखा हो उन वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका पेंटिंग्स। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। किस वायस राय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में, 1911 की ये बात है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर सेकंड ने। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन? अकबर थे। देखिए इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई बच्चे इसका जहांगीर लगाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। तो 1600 में भारत के शासक उस समय अकबर ही थे, लेकिन सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1612 में, जिसे जहांगीर ने परमिशन दी थी। कंफ्यूजन नहीं होना है, यह आंसर आयोग का बिल्कुल सही है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन ओलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन ओलिया, आपको ध्यान होगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहीं पे इनकी दरगाह है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर कलंदर के नाम से जाना जाता था, वह अपनी ओनेस्टी के लिए जाना जाता था, सबसे ऑनेस्ट उसको माना जाता है, बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित है? 2011 में जनसंख्या घटी है, नागालैंड की घटी थी 2011 में, और हर 10 साल बाद जनगणना होती है। अब 2021 में जनगणना की जाएगी और नागालैंड में जनसंख्या ह्रास हुआ था, बढ़ी नहीं थी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर है। ये ट्रिक मैंने सबसे पहले डाली थी, मेरी सबसे पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको नदी किनारे सारे शहरों के नाम याद कराए थे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे शिक्षक अभिरुचि भर्ती परीक्षा की ये सारी की सारी लिस्ट आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे, 70-80 वीडियो है, तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मूसी नदी के किनारे उसकी ट्रिक हमने वहां पे दी हुई है। कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कोई चंद्रमा नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये भारत है तो यहां पे अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्व के फल उद्यान क्षेत्र है। संसार के छत्र रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये कई बार आपको बता चुके हैं, पामीर का पठार, पामीर को बोलते हैं संसार की छत। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। कौन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, ये आपको याद ही होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। पाकुलदुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये भी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया गया था, वहां से लिया गया। अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? गेहूं एक रोपण फसल नहीं है, रोप के नहीं किया जाता और डायरेक्ट हो जाती है। नाटो, NATO, नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है।
18 पहले थी, 4 बाद में जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? श्रव्य और दृश्य, सुनना और देखना। ऑप्शन 2 सही इसका आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जाता? दर्शन शास्त्र को सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और वही देश के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य कौन देखता है? ये सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? पीटीबीटी का भारत एक सदस्य है। पीटीबीटी, सीटीबीटी पे भारत ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए, ज्यादातर बच्चे सीटीबीटी लगाए तो ये गलत है, इसका ऑप्शन 3 सही होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सारे स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। हमने आपको पूरी डिटेल में ये क्वेश्चन दिए हैं। और मैं आपको दोबारा बता दूं, ये हमारा प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, आप चाहे मोबाइल में खोले, चाहे लैपटॉप में खोले, चाहे पीसी में खोले, इस प्लेलिस्ट में जाके शिक्षक भर्ती से जितनी भी वीडियो संबंधित है उन सबको देख लिया करें और करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखा करें। मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ये बात जरूर मान लें कि करंट अफेयर्स की वीडियो देखना शुरू कर दें। आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो शिक्षक अभिरुचि का हो कि यूपी टेट का हो, टेट का हो, सी टेट का हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन 3 या 4 जरूर मिल जाते हैं। केवल 10-12 क्वेश्चन देखना, केवल 10 मिनट अपने 24 घंटे में से अगर आप हमें दे देते हैं, करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं, तो आप अपनी मेरिट को बढ़ा पाएंगे, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ज्यादातर बच्चों में यही कंफ्यूजन होता है कि हम करंट अफेयर तो देखेंगे नहीं, करंट अफेयर तो आता नहीं। और देख लीजिए, आता है, यूपी टेट की दोनों शिफ्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर को देखना जरूर शुरू कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल वाला आइकन दबा दें। रोजाना हम करंट अफेयर डालते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी डालते हैं, तो घंटी बजते ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि हमने वीडियो डाल दिया और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, ए टू जेड करियर्स इज ऑलवेज विद यू। माय नेम इज डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल। You can follow me on Facebook and Instagram. Even you will find my WhatsApp number in the description box where you can message me your problems related to studies. I will try to answer all of them. Thank you very much for watching my video. Milte hain kal ek nayi video ke saath. Tab tak ke liye bye.